ओम श्री गणेशाय नमः। माय डियर फ्रेंड्स, तो आई होप फ्रेंड्स आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं रीडिंग नो कॉन्टैक्ट पे, जो कि आप सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और कहीं ना कहीं आप सब चाहते हैं जानना अपने पार्टनर और उसके मन की बात क्या चल रहा है। सो यहाँ पर हम देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स, आपके पार्टनर के मन में क्या है, क्या इस नो कॉन्टैक्ट में वो कुछ सोच रहे हैं आपकी तरफ आगे बढ़ने का और चीज़ों को ठीक करने का। एंड लास्ट में हम लेंगे आपके लिए उनके लव मैसेजेस कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं एग्जैक्टली। सो बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग होगी। सो फ्रेंड्स, जिन्होंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, आई वेलकम यू ऑल। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, रीडिंग को लाइक करें। इस रीडिंग को सन, मून, साइन, नाम, राशि, जिसके भी अकॉर्डिंग देखना है आप प्लीज़ उसके अकॉर्डिंग देखें। और ये एक जनरल रीडिंग है, जितनी आपसे रेजोनेट हो उतनी लें। ज़बरदस्ती अपने आप को फोर्स नहीं करना है किसी भी चीज़ को, ठीक है। एंड लास्टली, पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर है, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप करके। सो जल्दी से अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ऑल राइट, सो माय डियर जेमिनी, सो जेमिनी क्या है आपकी सिचुएशन नो कांटेक्ट में, क्या चल रहा है आपके माइंड में? सो देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पर द मून, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स। देखिए यहाँ पर तो अबैंडनमेंट दिख रहा है, यहाँ पर तो अकेला किया गया है आपको, आपको खुद से दूर किया गया है। यहाँ पर आपको इन्होंने ब्लॉक किया है मुझे दिख रहा है, और आप इस रिलेशनशिप में अकेले होके जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, जो चीज़ें फेस कर रहे हैं, आपको उम्मीद नहीं थी। आप कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने दोस्तों के बीच, अपने रिलेटिव्स के बीच, अपने काम जहाँ करते हैं कुलीग्स के बीच, अपने आप को बहुत कर रहे हैं। लेकिन आपको कहीं ना कहीं इस पर्सन से जो एक वॉर्म मिलती थी, जो एक आप दोनों के बीच में जो एक क्लैरिटी वाला एक रिलेशनशिप था, जिस तरह से वो एंड हुआ और जिस तरह से उस नो कॉन्टैक्ट में इन्होंने आपको बिल्कुल वापस से कॉन्टैक्ट नहीं किया, अगर कुछ लोगों ने किया भी तो ऑन ऑफ रहा, जहाँ पर समझ ही नहीं आया कि ये पर्सन की माइंड में क्या चल रहा है, ये पर्सन क्या इस रिलेशनशिप में सच में था या सिर्फ मेरे साथ दिखावा करता था, ये सिर्फ एक ढोंग था। तो आपको ऐसा लगता था कि मेरे को तो ये लगता था कि मेरे और इनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, लेकिन कम्प्लीटली शट डाउन कर दिया इस पर्सन ने अपनी एनर्जीज को मेरे को। सो यहाँ पर ना अब आपको सेल्फ डाउट होने लगा है, आप भी ऐसे सोचते हैं कि क्या मैंने भी कुछ गलत इतना ही ज़्यादा कर दिया, मैं भी बहुत गलत इंसान हूँ, मैं क्या चीज़ों को समझ नहीं पाई या समझ नहीं पाया कि ये मुझसे क्या चाहता था। तो आप बार 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 ओवर थिंकिंग करते हैं, कॉन्स्टेंटली आपके माइंड में ही सारी चीज़ें चलती हैं। आप रिलेशनशिप में इस पर्सन की तरफ आगे बढ़ना भी नहीं चाहते अब। कारण क्या है कि इनसे अगर ये आप लोग मैरिड थे तो इनसे आपको बहुत सपोर्ट भी था। अभी आप फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो सकता है कुछ लोग फेस कर रहे हो या कुछ ऐसी चीज़ें हो, वहाँ पर भी अब आपको एक अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करनी पड़ी। आप अपनी न्यू बिगिनिंग के बारे में सोचते हैं कि मैं अब अपनी लाइफ में नए तरह से चीज़ों को कैसे शुरू करूँ। तो कुछ इस तरह की एनर्जी भी मुझे आप नेक्स्ट एक हफ्ता दिख रहे हैं, ठीक है जेमिनी, जहाँ पर आप कुछ सवालों के जवाब ढूंढते नज़र आ रहे हैं, प्लस अपने आप को संभालते नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बढ़ते हैं हम आपके पार्टनर की एनर्जी की तरफ कि वो क्या सोच रहे हैं अगले एक हफ्ते में इस नो कॉन्टैक्ट में। जेमिनी के पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं फॉर नेक्स्ट वन वीक? सो सबसे पहला कार्ड है टेन ऑफ अर्थ, हाई प्रीस्टेस, नाइन ऑफ एयर एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए मुझे तो ऐसा लग रहा है जेमिनी कि आपके पार्टनर ने ना कुछ डिसीजंस लिए हैं अपनी फैमिली की वजह से। बहुत सारे रिलेशनशिप्स सिर्फ इसलिए टूट गए या सिर्फ इसलिए होल्ड पे चले गए क्योंकि उनकी फैमिली नहीं मानी। उनकी फैमिली ने उनसे कहीं ना कहीं एक लॉयल्टी के रूप में ये बोल दिया कि आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं रखो, नहीं तो हम
तुमसे अपना रिश्ता तोड़ देंगे, तुमसे हम ये कर देंगे वगैरह वगैरह। और इस वजह से पूरा ये रिलेशनशिप स्टेक पे आ गया। आप जहाँ पे बहुत कुछ उम्मीदें रख रहे थे, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी आपकी इस पर्सन से, वहाँ कम्प्लीटली आप शट डाउन कर दिया इस पर्सन ने आपको। मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि अभी फ़िलहाल ये पर्सन खुद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एन्जाइटी में दिख रहा है मुझे। अगले एक हफ्ते ये खुद पता क्या चाह रहा है कि हमारा ये वक्त बदले, हम किसी ना किसी तरह इस पूरे प्रॉब्लम से, इस पूरे स्ट्रेस से बाहर आए ताकि हमारे बीच में एनर्जी पॉजिटिव हो। बट क्योंकि चीज़ें ऑलरेडी इतनी गड़बड़ हो चुकी हैं, इतना कुछ या तो इनके परिवार वालों ने आपको बोल दिया या फिर ऐसा कुछ हो गया जिससे कुछ ठीक होता नज़र ही नहीं आ रहा। सो यहाँ पर मुझे आपका पर्सन, अब रिग्रेट भी नहीं कहूँगी एग्जैक्टली, बट अपने ही डिसीज़न पर दुखी हो रहा है कि मेरे परिवार वालों ने, मेरे अपनों ने, मेरी सिचुएशंस ने मुझे मेरे पर्सन जेमिनाय से दूर कर दिया। सो इस तरह की एक एनर्जी दिख रही है और एक स्ट्रेस दिख रहा है। आइए देखते हैं कि इनके लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, क्या ये आपको अपने लव मैसेजेस के थ्रू कुछ कहना चाहते हैं। यू आर जेन्युइन, तो ये चीज़ इन्हें पता है। ऐसे नहीं है आपके साथ जुड़े हुए हैं और आपकी वजह से, आपसे दूर होने की वजह से आपको याद कर रहे हैं बार बार, तो आप कोई टाइम पास या ऐसे ही फुकरे इंसान नहीं थे, ठीक है। यू लुक डीप इन टू माई आईज, तो एक अलग लेवल ऑफ कनेक्शन था आप दोनों के बीच में जो कि एस्टैब्लिश था, लेकिन अभी क्योंकि चीज़ें ख़राब हैं सो वहाँ पर एक ब्लॉकेज लगा हुआ है। बट मुझे ऐसा दिख रहा है जेमिनाय कि आने वाले टाइम में ये पर्सन हिम्मत करेगा और चीज़ें ठीक करेगा। फिलहाल ये अपने दुख से, अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ रहा है, ठीक है। सो इस रीडिंग को हम यहीं कवर करके ख़त्म करते हैं और बाकी आप मुझे बताएं कैसी लगी ये रीडिंग। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स से। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो अभी के लिए बाय फ्रेंड्स।